हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो आज संडे है और मैं बाहर निकला हूँ एक और व्लॉग शूट करने आप लोगों के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पसंद आए। तो फिलहाल इस बार थोड़ा सा चेंज है प्लान में। हर बार मैं कार से जाता हूँ और इस बार थोड़ा सा और मस्ती आनी चाहिए, इस वजह से हमने सेलेक्ट करी है अपनी KTM RC 200। और हम इसके थ्रू जाने वाले हैं सरसावा, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैंने यहाँ पर सेट किया है एक्शन कैमरा, ये है ईकेन H9। और अगर आप इस कैमरे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और जो फ़िलहाल मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कैनन G7 Mark II से मैं शूट कर रहा हूँ, और इसके बारे में भी आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन को दबाकर। तो चलिए चलते हैं, एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढते हैं आप लोगों के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। सो बाय बाय। सो गाइस, हमें एक लोकेशन मिल गई है और बेसिकली एक ये उल्टा किला कुछ कहलाती है जगह, और ये किला था पहले, बहुत टाइम पहले यहाँ पर सरसावा में एक ही जगह है। और ये फ़िलहाल अब ये एक ऊपर मैदान सा बन गया है सारा, तो मिट्टी का ढेर आप देख सकते हैं यहाँ से। तो बहुत मुश्किल से गाड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, और अब गाड़ी चढ़ तो गई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसे उतारेंगे कैसे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है प्रॉपर गाड़ी उतारने के लिए। ये देखिए, सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जगह को और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर कुछ। बाय द वे, हाँ मैं आपको पहले इस गाड़ी की आवाज़ तो सुना दूँ। एक इस गाड़ी की आवाज़ ही है जिसमें मैं फिदा हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर, एग्जॉस्ट इसकी आवाज़ सुनाऊँ। गजब है यार आवाज़। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ से नज़ारे। और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, ऐसी जगह पर आकर मज़ा ज़रूर आता है, थोड़ा डर भी लगता है, क्रीपी ही जगह है। खैर अभी दिन का टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर इधर उधर खड़े हुए, तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। और इरफान वहाँ पर बोला बिजी है फोटोज लेने में। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं कोई कमाल लोकेशन, और यहाँ पर कोई ऊँची जगह, आई थिंक वहाँ पर कुछ है, लोग बहुत सारे खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बाइक दिखा दूँ, वो देखिए बाइक कहाँ पर है। चलिए, सो गाइस आप देख सकते हैं पूरा व्यू, पूरा सरसावा आपको यहाँ से दिख सकता है। ये है कंप्लीट व्यू उस जगह का। तो सबसे ऊंची जगह पर हम फिलहाल खड़े हैं और बाइक हमारी वहाँ है, अगर आप देख सकते हैं, मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये है व्यू, चलिए मैं जल्दी से आपको एक पूरा कंप्लीट टूर देता हूँ यहाँ का।
हाय गाइस, यू कैन सी बाइक वहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं बाइक के पास फ़ोटोज़ के लिए, कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं वो। तो चलिए जल्दी से जाना पड़ेगा वहाँ बाइक के पास, कभी कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो गाइज, वी हैव डन फोटोशूट है और काफ़ी फ़ोटोज़ ले लिए हमने इंस्टाग्राम के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ़ोटोज़ लेने के लिए, ये ऐसी लोकेशंस ढूंढनी पड़ती हैं। सो गाइज, अब मेन टास्क ये है कि बाइक को कैसे हम नीचे उतारें, क्योंकि चढ़ा तो हमने ली है बाइक यहाँ पर बहुत मुश्किल से, और नीचे उतारने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। बस बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, डर इस बात का है कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये स्लिप ना हो जाए। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे इस बाइक को उतारा जाए यहाँ से, और फिर हम देखेंगे रास्ते में हमें कोई और अगर लोकेशन मिलती है अच्छी तो हम वहाँ पर शूट करेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए तो मेन इशू यही है अभी कि इस बाइक को उतारें कैसे, वहाँ पर है बाइक। ओके गाइस, सो आई विल कैच यू वंस आई एम डाउन हियर। Bye-bye. गया है एयरफोर्स स्टेशन में और आज तो पक्का फंसेगा, ये आर्मी वालों से पंगा ले रहा है। देखते हैं हमें वो जाने देते हैं अंदर या नहीं जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, सो फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाइक पर। आई नो ये सेफ नहीं है और सही भी नहीं है, और आप जब भी बाइक राइड करें तो हेलमेट ज़रूर यूज़ करें। मैं फिलहाल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो शूट नहीं कर पाऊँगा यार अच्छे से। तो खैर, आप देख सकते हैं फिलहाल बंद कर दूंगा, आई नो इट्स नॉट राइट। और हमें अंदर जाने नहीं दिया एयरफोर्स स्टेशन में, क्योंकि हम वहाँ पर तभी जा सकते हैं अगर आपका कोई रिलेटिव हो अंदर, तभी आपको जाने दिया जाएगा, या कोई आपको जानने वाला हो, कुछ भी सेटिंग हो यार तभी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं और आपको अंदर से दिखाएंगे है क्या वहाँ पर। और फिलहाल के लिए हम ढूंढ रहे हैं कुछ और लोकेशन, जो अच्छी कोई लोकेशन मिल जाए जहाँ पर हम शूट कर पाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय। सो गाइस, नाउ आई एम बैक टू होम। हमने बहुत सारी जगह ट्राई करी लेकिन कहीं पर भी हम जा नहीं पाए। एयरफोर्स स्टेशन ट्राई किया, एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉक किया था वहाँ पे मैंने ट्राई किया, लेकिन हम वहाँ पर भी नहीं जा पाए। तो और कुछ है नहीं दिखाने के लिए आपको, इतना ही, और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ। सो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आया है तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो बाय गाइस, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।